कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण पूरी दुनिया सहमी हुई है। इसका असर दुनिया के हर एक सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। फिल्मी जगत जो देश के लोगों को एंटरटेनमेंट परोसता है, लोगों को हंसने रोने का मौका देता है, आज वो फिल्म इंडस्ट्री भी कोरोना की गिरफ्त में आ चुकी है। इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस के बॉलीवुड पर पड़ रहे असर की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को 300 से लेकर 800 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हिंदी फिल्मों की प्रमुख बेल्ट यानी मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और बिहार में थिएटर्स बंद हैं। वहीं कई फिल्मों की रिलीज डेट टाल दी गई है। टीवी शोज की शूटिंग भी बंद कर दी गई है। राज्य सरकारों ने सिनेमाघरों को बंद करने की घोषणा कर रखी है। कोरोना वायरस से बचाव हो सके इसके लिए अब तक 3500 से ज्यादा स्क्रीन्स को बंद कर दिया गया है। पूरे भारत में सिनेमाघर बंद होने से थिएटर्स मालिकों को एक हफ्ते में करीब 40 से 50 करोड़ का नुकसान होगा। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में इंडस्ट्री का नुकसान कई गुना बढ़ने का चांस है, यानी अनुमान लगाना फिलहाल मुमकिन नहीं। आपको बता दें, 19 मार्च से लेकर 30 मार्च तक पूरे देश में शूटिंग कहीं नहीं होगी। वहीं इससे पहले कई फिल्मों जैसे जर्सी, भूल भुलैया 2, ब्रह्मास्त्र की शूटिंग को भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। शूटिंग रोकने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि लोग एक जगह जमा ना हो सके। इसी वजह से कई फिल्मों की रिलीज डेट टाल दी गई है। बिग बजट फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज डेट भी खिसक चुकी है। मार्च के अंत और अप्रैल के शुरू में सूर्यवंशी, 83, संदीप और पिंक फरार फिल्में रिलीज होनी थी, जो आगे आने वाले समय में रिलीज की जाएंगी। हालांकि अभी तक फिल्मों के रिलीज के लिए नई तारीख फिक्स नहीं की गई है। इस वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते थिएटर बंद कर दिए गए हैं, शूटिंग्स रोक दी गई हैं, बड़ी फिल्मों के रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, इस टेंशन भरे माहौल में देश के लोगों को हंसाने वाला द कपिल शर्मा शो, इसके सेट पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां आपको बता दें क्या कुछ बंद हो गया है फिल्मी दुनिया में कोरोना के चलते। एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी मोशन पिक्चर्स का ऑफिस 2001 में स्थापना के बाद पहली बार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट वाले साजिद नाडियाडवाले ने अपने सभी कर्मचारियों को एक हफ्ते की पेड लीव दे दी है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के एक खास हिस्से की शूटिंग दिल्ली में होनी थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उसे भी कैंसिल कर दिया गया। आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त स्टारर फिल्म सड़क 2 और जॉन इब्राहिम की सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग भी रोक दी गई है। कभी न सोने वाली मुंबई को खुली आंखों से सपने दिखाने वाली फिल्म इंडस्ट्री में आज एकदम शांति छाई हुई है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये परेशानी कितनी बड़ी है। चीजों को सामान्य होने में वक्त लगेगा और आने वाले महीनों में दर्शकों का थिएटर्स की ओर वापस लौटना भी आसान नहीं होगा। अब देखना होगा फिल्म इंडस्ट्री कैसे इस संकट से उभर पाती है।